नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूं, जिनमें आपको कल यानी कि फ्राइडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप वीडियो में बने रहें। उससे पहले मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो दो स्टॉक दिए थे, हम उनके परफॉर्मेंस चेक करेंगे, देखेंगे कि आज उन्होंने कैसा मूव किया। दोस्तों, इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं वहां भी कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश क्लेबल होते हैं, कोई फ्यूचर क्लेबल नहीं होता है। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें, फ्यूचर क्लेबल नहीं होते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देता हूं, मेरे इनमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक था वो था जस्ट डायल का। देखिए, जस्ट डायल को मैंने आपको सेल दिया था 561 के नीचे, तो यहाँ पर हमारी सेल कॉल कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई। और अगर मैं बात करूँ बाई साइड की, मैंने आपको इसको बाई दिया था 567 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टॉक ने ओपन किया 568 पर, इसने एक पॉइंट गैप अप ओपन किया। और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था 562 का, तो स्टॉक कहीं भी नीचे आया नहीं। आज का इसका डे का लो है 564, तो हमारे स्टॉप लॉस पूरे ही दिन में कहीं भी हिट नहीं हुआ बाई साइड का। यहीं पर हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हो गई और इसने हाई लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 577 का, जो कि हमारा एग्जैक्ट सेकंड टारगेट था। इसने हमारे सेकंड टारगेट को काफी आसानी से हिट कर दिया। अगर आपने ज्यादा भी पेशेंस किया होगा तो आपको निश्चित ही बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो यह था पहला स्टॉक। अगर आपको जस्ट डायल की मूवमेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक था उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्टॉक था, तो दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक था लाल पैथ लैब का, देखिए लाल पैथ लैब को मैंने आपको बाई दिया था 1502 के ऊपर। लेकिन आप मेरे अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप जाकर दोबारा वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था, एक्स्ट्रेक्टली बताया था, अगर ये स्टॉक थोड़ी देर सस्टेन करेगा तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा बिल्कुल, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। ये चीज आप वीडियो में जाकर फिर से भी देख सकते हैं। तो स्टॉक ने यहाँ पर ओपन जरूर किया 1504 पर, लेकिन स्टॉक जरा भी सस्टेन नहीं हुआ, स्टॉक वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दिन स्टॉक एक रेंज में ही रहा, कहीं पर भी हमारी दोबारा बाई कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। अगर स्टॉक 1504 को ब्रेक करता, ऊपर की साइड में निकलता, तो निश्चित हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हो जाती। लेकिन स्टॉक ने फिर पूरे दिन कहीं उसको ब्रेक भी नहीं किया। और अगर बात करें सेल साइड की, मैंने आपको इसको सेल दिया था 1485 के नीचे, तो उस साइड में भी हमारा ये कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। तो हमें पहले कॉल में प्रॉफिट देखने को मिला और दूसरी कॉल हमारी एक्टिव ही नहीं हुई। अब चलिए देखते हैं, मैंने आप लिए जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं फ्राइडे के लिए, वो कौन से हैं, उनकी मूवमेंट आपको कैसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है एलटी का, देखिए एलटी ने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ अपने बॉटम पर। तो अगर अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है, अपसाइड में निकलता है, तो इसको हम बाय करेंगे 1440 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1433 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1447, सेकंड टारगेट होगा 1454, अंतिम टारगेट होगा 1461 का। अगर एलटी नीचे को निकलता है तो उसको हम सेल करेंगे 1432 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1439 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1425, सेकंड टारगेट होगा 1418, अंतिम टारगेट होगा 1410 का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा पर्सनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। वहां पर आपको आप स्टॉक और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे आप एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा फ्राइडे के लिए दूसरा अंतिम स्टॉक है पिडिलाइट का। देखिए, पिडिलाइट ने अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी हुई है। अगर इसको ब्रेक करता है स्टॉक, थोड़े देर सस्टेन करता है, तो निश्चित ही एक अच्छी बाई की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्टॉक में इजीली स्टॉक 1396 का हाई लगा सकता है, तो पिडिलाइट को हम बाई करेंगे 1386 के ऊपर। स्टॉप लॉस को हमारा 1379 का। हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 1393, सेकंड टारगेट हुआ 1400, अंतिम टारगेट हुआ 1408 का। अगर पिडिलाइट नीचे का निकलता है तो उसको हम सेल करेंगे 1378 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1385 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1370, सेकंड टारगेट होगा 1362, अंतिम टारगेट होगा 1355 का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।